3, 2, 1 शुरू। जो मनुष्य इस सत्य को समझता है कि वह इसका सदुपयोग करते हुए आत्महित और लोकहित के कार्य करता है, विराम। इसके विपरीत जो इस सत्य की अनदेखी करता है और स्वयं को ही परम शक्तिशाली समझने की भूल करता है, वह व्यर्थ में ही अहंकार बन स्वयं तथा औरों का अहित कर बैठता है, विराम। संविधान के अनुच्छेदों के अधीन उपयोजन संबंधी भारतीय न्यायालय के नियम प्रतिपादित करते हैं कि प्रत्येक याचिका याची या व्यक्ति अथवा कथित किए गए तथ्यों के संज्ञान को हासिल करते हुए व्यक्तियों के द्वारा आवश्यक शपथ के द्वारा सत्यापित की जाएगी एवं स्पष्टतया याचिका के अनुच्छेद के संदर्भ के द्वारा की जाएगी, विराम। सूचना का स्रोत वहां प्रकट किया जाना चाहिए जहां कथन अभिलेखों पर आधारित किए जाते हैं। पर्याप्त विवरण अभिलेखों पर पहचान करने को दिया जाना चाहिए, विराम। ऐसे प्रावधान कलकत्ता उच्च न्यायालय के अपीलीय पक्षों के नियम 14 में उपलब्ध होंगे, विराम। कथित नियमों के नियम 35 प्रतिपादित करते हैं कि जब तक अन्यथा आदेश नहीं किया गया, सभी शपथ पत्र न्यायालय के समुचित अधिकारी के समक्ष दाखिल किए जाएंगे, विराम। कोई शपथ पत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि सुनवाई के लिए नियत दिनांक को न्यायालय के बैठने के पूर्व कम से कम 24 घंटे के पूर्व दाखिल नहीं किया गया एवं कोई शपथ पत्र सुनवाई पर सामान्यतया नहीं पढ़ा जाएगा, विराम। पैरा नोटरी के कार्यों का नोटरी अधिनियम 1958 की धारा 8 में उल्लिखित किए जाते हैं एवं वे कुछ मामलों में शपथ पत्रों के सत्यापन करने को अन्य के बीच में से सम्मिलित करते हैं, विराम। शपथ पत्रों के सत्यापन करने का एक तरीका निसंदेह आदेश 15 में निर्धारित किया जाता है एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 139 में नहीं, एवं एक नोटरी शपथ दे सकता है एवं कथित अधिनियम की धारा 8E के अधीन शपथ पत्र ले सकता है, विराम। पैरा एक नोटरी पब्लिक के समक्ष दिया गया शपथ पत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन एक कार्यवाही में एक उचित शपथ पत्र नहीं होगा, विराम। याचिकगण को या तो न्यायालय के शपथ पत्रों के आयुक्त के समक्ष या ऐसे प्राधिकारी के समक्ष जैसा कि सम्यक रूप से अधिकृत किया गया अपने आवेदनों को पुनः प्रतिज्ञानकृत हासिल करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, विराम। अनुपस्थिति में रिट का खारिजीकरण हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रेक्षित किया कि परिस्थितियों के अधीन रिट आवेदन में सिविल प्रक्रिया संहिता के द्वारा अनुध्यात प्रक्रिया के द्वारा न्यायालय आबद्ध नहीं है। कतिपय गलतियों का प्रतिकार करने को न्यायालय अपने
अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है एवं इसलिए यह पाया जाता है कि एक खास रिट याचिका चूक के लिए खारिज कर दी गई है एवं प्रश्नगत चूक कुछ तर्कसंगत कारणों के कारण घटित हुआ विराम पुनर्स्थापन का आदेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करने में उच्च न्यायालय को निषेधित करने को कुछ भी नहीं है विराम इस मामले में विचार का प्रश्न था कि न्याय अशुल्क के अधिनियम की धारा 5 के अधीन आदेशात्मक प्रावधान के भंग में एक अपील दाखिल की जा सकती है पूर्ण विराम।